हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर 1, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। 20 कॉपी ऑफ अ बुक कैन बी परचेज फॉर अ सर्टन सम पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड 20। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ खाली। तो मैं 20 कॉपी खरीद सकता हूँ, ठीक है, 20 कॉपीज में खरीद सकता हूँ, ठीक है, ऑफ अ सर्टन सम पेएबल 6 मंथ हैंस, 6 महीने बाद में अगर मैं पे करना है मुझे, ठीक है ना, अभी अगर अभी पे नहीं करना मुझे, 6 महीने बाद में पे करना है। अगर मैं 6 महीने बाद पे करता हूँ तो मैं आज की तारीख में 20 कॉपीज खरीद सकता हूँ, ठीक है। एंड 21 कॉपीज ऑफ द सेम सम इज रेडी कैश। अगर मैं आज का आज को खरीदता हूँ, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे नहीं करता, कैश बेसिस पे खरीदता हूँ, तो मैं वही अमाउंट में 21 कॉपीज खरीद सकता हूँ, जो अमाउंट में मैं 20 कॉपी खरीद रहा था 6 महीने की क्रेडिट बेसिस पे, जो मैं 20 कॉपीज खरीद रहा था वही अमाउंट से मैं 21 कॉपीज खरीद सकता हूँ, ठीक है ना, ऑन कैश बेसिस, अभी का अभी अगर मैं खरीदने जाऊँ तो। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कितने फॉर्मूला अपने लिए, रेट या फिर नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, रेट या फिर ईयर फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है। तो एक तो है TD का फॉर्मूला, करेक्ट, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो अपने पास है BD का फॉर्मूला। TD के फॉर्मूला में R और N आता है, BD के फॉर्मूला में R और N आता है, और लास्ट जो फॉर्मूला बचा वो BG का। तो 3 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे, नॉर्मली तो हम यही करते हैं, बरूबर ना सर, ये 3 फॉर्मूला से कोई एक फॉर्मूला में नॉर्मली ये आता है, TD, BD या BG, एनी आर फाइंड करना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं 21 कॉपीज आज की तारीख में खरीद सकता हूँ, आज की तारीख में मतलब क्या, प्रेजेंट वर्ड दिया हुआ है, बरोबर ना, 21 कॉपीज आज की तारीख में ऑन कैश खरीद दूँ तो मैं 21 कॉपीज खरीद सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो प्रेजेंट वर्थ है 21 कॉपीज का, या फिर जो प्रेजेंट वर्थ है उसको मैं ए ले लूँगा, क्या ले लूँगा, ए, लेट द प्रेजेंट वर्थ बी ए, ठीक है। एन मेरा क्वेश्चन में दिया 6 मंथ, जिसको मैंने कन्वर्ट किया ईयर में, विच कम्स टू हाफ ईयर, ओके, करेक्ट। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है 20 कॉपीज का सम ड्यू, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 20 कॉपी में क्रेडिट बेसिस पे फाइंड कर रहा हूँ, जहाँ पे भी क्रेडिट होता है तो क्या होता है, सम ड्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं सम ड्यू फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, व्हाट इज़ सम ड्यू, सम ड्यू इज़ नथिंग बट TD, ये मेरा TD है स्टूडेंट, TD का वैल्यू PW इंटू N इंटू R अपॉन 100, बरोबर, तो TD प्लस प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि 20 कॉपीज का मेरे को सम ड्यू तो फाइंड करना पड़ेगा, 20 कॉपीज का जो सम ड्यू है वो 21 कॉपीज का प्रेजेंट वर्थ है, करेक्ट। तो मैं पहले 20 कॉपी का सम ड्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो प्रेजेंट वर्थ क्या है, एक कॉपी का मेरा प्रेजेंट वर्थ ए है, तो 20 कॉपीज का कितना होगा, 20 इंटू ए, करेक्ट, 20 इंटू ए इंटू हाफ इंटू आर अपॉन 100 प्लस प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 कॉपी 20 ए। नेक्स्ट सम ड्यू कितना हुआ, 2 1 2 10, करेक्ट, और यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ, ए आर अपॉन 10 प्लस 20 ए, ए आर अपॉन 10 प्लस 20 ए। अब मैं आगे क्या करूँगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना, ताकि मेरे को एक कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 10 को मैं 20 ए से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को मैं ए आर से मल्टीप्लाई करूँगा, और 10 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स, ए आर प्लस 200 ए अपॉन 10, ए आर प्लस 200 ए अपॉन 10, करेक्ट। तो मुझे सम ड्यू मिल गया, 20 कॉपी का सम ड्यू मिल गया, और 21 कॉपी का रेडी कैश अमाउंट कितना होगा, 21 इंटू ए, बरूबर ना, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपीज क्या होगा, PW इंटू ए, 21 इंटू ए, सॉरी 21 इंटू ए। तो मैं यही सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को एक इक्वेशन फॉर्म में नोट डाउन कर देता हूँ, सम ड्यू ऑन 20 कॉपीज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपीज, सम ड्यू ऑन 20 कॉपीज इज इक्वल टू 20 प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपीज। अब सम ड्यू ऑन 20 कॉपीज तो मुझे पता ही है, जो मैंने अभी फाइंड किया, बरबर, और प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपीज क्या होगा, 21 ए, करेक्ट,
तो मैं क्या करता हूँ, इसको नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है ना। सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज़ के नीचे वैल्यू डाल दिया, और 21 कॉपीज़ का जो प्रेजेंट वर्थ हुआ वो मेरा 21A हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे मैं ये 10 को उस तरफ लेके चला जाऊँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको वहाँ पर लेके आऊँगा तो ये 210A हो गया। तो 210A इक्वल टू AR प्लस 200A, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ में लेके आना है। जब भी ऐसा होता है तो मैं लाइक टर्म्स को क्या करता हूँ, साथ में लेके आता हूँ। तो 210A और 200A को मैं साथ में लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 210A - 200A इक्वल टू AR, ठीक है। तो स्टूडेंट जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 210 में से जब 200 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 10A इक्वल टू AR। ए और आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डेफिनेटली जब ए लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, आर इक्वल टू 10A/A, ए और ए कैंसिल होके क्या बचेगा स्टूडेंट्स, खाली 10 बचेगा। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।